कराही मसाला मारत रखे जाके बेलचा मारत रही जमा कर रही जमा कर गई 50,000 कर 1,00,000 देता कोई के अरे खाने 50,000 नहीं देवे लायक घाल करे लायक है 50,000 की एको रुपया नहीं देवे लायक है सेटा अरे हम पढ़ा लिखा छुआ ने का कहला ये 5,000 दबी तब ये लिखौनी है तो बाप रे तो 5,000 देबा तब लिखतो तब तू बतवा के भेजबई पढ़ाया। हां तो पूरा संजय सर से तो गुस्सा क्यों है अब काल है सके वो जानते उनका खीस लगे लाइक है पूरा खीस लगे पूरा सेला तो कह हम कह दे सखने हम के कह दिया कि जौरा मास्टर तड़ी को छुआ उठलो है तो खेद भाई हम ओके देबे ओके देबे आ संजय से डाटे तो के खिलना खिला पिला ओके स्वागत करबे डांटा से डांटा से बा ठीक है दे दे ठीक जो है तब तब जो है अभी तो हम लोग जेबे केसेस को देंगे देवेंद्र नाथ महतो को। इससे पहले हम लोग आज से नहीं हमको लगता है बहुत जब से वोट दे रहे हैं तब से हम बीजेपी में दे रहे थे अभी आशु का भी हम उपाध्यक्ष है काके प्रखंड लेकिन लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देंगे तो देवेंद्र महतो को ही देंगे। आशु के क्या है आप काके का उपाध्यक्ष है जोहार नमस्कार आदाब हम अभी रांची लोकसभा के कांके विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे हम जनताओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल अभी किस प्रकार का चल रहा है। अभी 25 मई को लोकसभा चुनाव है तो ये कि यहाँ का पब्लिक का क्या व्यू है इस बार किसको वोट देंगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम एक एक दीदी से हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार लोकल चाहिए कि बाहरी नेता चाहिए तो हम एक एक करके हम बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी सबसे पहले दी जोहार जोहार इस बार किसको वोट दीजिएगा आप लोग हम देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो संजय सेठ को क्यों नहीं संजय सेठ को इसलिए कहा है तो हम अभी सब बच्चा का भविष्य के लिए वो अभी बात का जीते नहीं है भविष्य के लिए वो सोच रहे हैं तो बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे इसीलिए हम उसी का साथ देंगे कि हम कुछ नहीं कर सके लेकिन मेरा बाल बच्चा तो कुछ करके और अच्छा से जिए अच्छा से पढ़े लिखे और अच्छा से रहे कि हम नहीं कुछ कर सके मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े तो मेरा ही नाम होगा कि मेरा बाल बच्चा आगे बढ़ गया और कहीं पर जाएंगे तो कोई बोलेगा हाँ क्या किसका मम्मी है तो उसका मम्मी है वो ऐसा नौकरी कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है उसका माँ है उसका बाप है। अभी हम लोग को कोई तो एगो ढेका का सामान भी नहीं समझ रहा है कि वो मतलब खेत का ढेला है उस तरह भी नहीं समझ रहा आदमी अभी तो यानी 5 साल में संजय सेठ आपके गांव में कुछ काम किए हैं कुछ नहीं किए हैं उस उनको हम लोग यहाँ हम लोग का बैठक होता है जो सामुदायिक भवन है इलेक्शन होता है वहाँ का हम लोग को बात बोले कि यहाँ हम लोग आपका जर्जरी हो अति पूरा गिर रहा है आपको यहाँ बना देंगे सामुदायिक भवन और अभी तक वो इस गांव में प्रवेश नहीं किए हैं कि का हुआ कि नहीं हुआ यहाँ का आदमी क्या कर 2 बार एप्लीकेशन भी दिए एक बार गए। अच्छा संजय सेठ आपके गांव वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा दौड़ाएंगे उसको गाँव घुसने नहीं देंगे वो एक बार आके हम लोग को इस तरह लालच देके और ऐसे करके हम बोलेंगे आपको हम पहचानते नहीं है सीधा बोलेंगे हम आपको पहचानबे नहीं करते आप कहाँ का आदमी है और क्या क्या मांगने यहाँ आए हैं आप अरे आके पैसा देगा क्या कीजिए पैसा हम लोग नहीं कमा सकते हैं हम लोग भी तो कमाते हैं हम लोग डेली पैसा कमाते हैं उसी का पैसा से तो हमको गुजार नहीं होगा उसी का पैसा से हम लोग का गुजार नहीं हो रहा। राशन देता है कि नहीं देता राशन दे रहा है राशन नहीं देगा तो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं हम लोग खेत का हम लोग अपने चावल खाएंगे ठीक है। और कुछ दीदी से बात करना क्वेश्चन दीदी जोहार जोहार मेरा नाम सरिता महतो है और मैं हुंदुर बरटोला गांव की निवासी हूँ। मेरा यही कहना है कि मेरा वोट देवेंद्र नाथ महतो जी को ही जाएगा। संजय सेठ कुछ काम नहीं किए नहीं संजय सेठ कुछ काम नहीं किए हैं उन्होंने जीते यहाँ से हम लोग कमल फूल छाप के ये में दिए थे वोट और हम लोग का जो पहचान था फूल छाप बीजेपी का हम लोग बीजेपी के छाप में दिए थे लेकिन इन्होंने पहले तो बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन दिए संजय सेठ जी पर जब काम आया हम लोग का जैसलपीएस समूह का जब फर्स्ट हम लोग उद्घाटन जब जीते फर्स्ट उद्घाटन हम ही लोग का गाँव में किए थे और वो यहाँ आके बोले
सबके सामने हम लोगों के सामने की वादा करके गए कि हम लोग यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, लेकिन हम लोग दो बार उनको लेटर भी दिए, सामने जाके उनका घर भी मिले, लेकिन हम लोग का कोई यहाँ कुछ नहीं करवाए और आज तक उन्होंने यहाँ देखने भी नहीं आए। तो हम लोग उनको वोट क्यों दें? जब हम गरीबों के लिए वो देख नहीं रहे तो हम उनको क्यों वोट दें? हम जो हमारे छात्र नेता जो हमारे गरीब के स्थिति में चलते हुए इतना अच्छा जगह से हम हमारे हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको वोट देंगे कि जो मेरे हित के बारे में नहीं सोच रहा उनको वोट क्यों दें? अच्छा देवेंद्र महतो जेल में क्या कीजिए, कैसे वोट दीजिए? तो जेल अभी जेल में है ना, वोट तो हम देंगे ना, जेल उनको वोट देने के बाद उनको निकाला जाएगा, वो तो जेल में ही नहीं ना रहेंगे, उनको तो निकाला जाएगा। सभी को जोहार। किसको वोट दीजिए? किस पर? देवेंद्र नाथ को। क्यों? क्योंकि बीजेपी है, कांग्रेस है, इतना बड़े-बड़े पार्टी है, छोटे पार्टी का सबको देख लिए है, सबको देख लिए चेहरा देखे, देखा क्या कर रहा है, नहीं किया है वो देख लिए, अब देखना है देवेंद्र नाथ को। अब क्या करेंगे, बाल बच्चा को उधार कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, अब वो देखना है। बीजेपी कांग्रेस पैसा देता है जी, पैसा देके वोट नहीं देती? नहीं, पैसा आज तक किसी को बीजेपी दी हो या कांग्रेस हो, आज तक किसी का पैसा हम लोग लिए नहीं है। पैसा से इस बार नहीं बिकाएगा? नहीं, हम लोग कभी नहीं बिके हैं ना बिकाएंगे। दारू मुर्गा ना चलतो, ना खाते हैं ना पिएंगे। इतना दिन पहले वोटवा दिए है ना, उसका पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही मोहर लगाएंगे। पैसा भी लीजिए अगर वोटवा नहीं दीजिए। नहीं देंगे, पहले दिए है ना उसका चुप्पी करेंगे, पहले दिन है उसका चुप्पी करेंगे, उसके पैसा ले लेंगे और सीधे हेलमेट छाप में ही वोट लगाएंगे। यानी पांच साल में संजय सेठ आपके गांव नहीं आए? आए थे तो एक ही बात बोले ना, यानी वोट मांगने के लिए आते हैं? हाँ, इस बार नहीं आए थे, रास्ता निर्माण हो रहा था ना यहाँ उस दिन, वो तो देवेंद्र महतो आए थे, संजय सेठ भी आए थे, सुबह को आए थे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बात करने का प्रयास करेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार, जोहार, जोहार। क्या नाम होता? मेरा रेणु देवी नाम है। इसको वोट दीजिएगा इस बार? हम देवेंद्र नाथ को देंगे वोट। ये गांव का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा गांव का नाम है हुंदूर पटोला। आपके गांव के जो महिलाएं क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग पूरा महिला सोच रहे हैं, ग्राम संगठन में बैठते हैं और पूरा महिला सोचते हैं कि हम लोग देवेंद्र नाथ को देंगे और हेलमेट छाप को ही देंगे और हेलमेट छाप को ही जिताएंगे। अच्छा संजय सेठ आपके गांव आएगा तो क्या स्वागत कीजिएगा? स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत में मार के दरांता लेके निकालेगा हम लोग का। एक बार संजय सेठ आ गया था, उसके बाद में बोला है कि समुदाय भवन बनेगा, कुछ समुदाय भवन कुछ नहीं बना है यार, ऐसे चल गया संजय सेठ। जोहार, जोहार। मेरा आपके गांव संजय सेठ आएंगे, स्वागत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। क्या करके कीजिएगा? लात मार के निकालेंगे। लात मारिएगा? हाँ, एक बार सोच लेंगे हम लोग कि हेलमेट छाप में ही वोट मोहर लगाना है, तो हम लोग का नियत को बदल नहीं सकता है। जैसे हम लोग अगर दिमाग में बैठा लिए हैं कि हम लोग वोट देंगे तो हेलमेट छाप में ही देंगे, तो हम लोग का दिमाग को बदल नहीं सकता है, चाहे कोई कितना दरी देने आए, चाहे पैसा देने आए। संजय सेठ कहाँ के? पता आपको? पता नहीं है, नहीं पता है। राजस्थान के है? तो इस बार बाहरी सांसद आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? हमारे राज का ही चाहिए। अपना राज क्या चाहिए? एक बार अपना राज का भी देख लेना पड़ेगा। बनाने के लिए जाता है तो कुछ नहीं बनता है, तो हम लोग किसके घर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम इतना झूठो पढ़ा रहे हैं, झूठो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम लोग का, बाल बच्चों को पढ़ाना, पढ़ा के बोल रहे हैं कि चाय बेचना है, पकौड़ा बेचना है। चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, तो फिर हम लोग उतना खर्चा कहाँ कर रहे हैं, उतना पैसा कहाँ से लाएं? हम लोगों का भविष्य ही खराब है। अभी हम जे एस एस सी का जो एग्जाम रद्द हुआ, हम लोग खुद एग्जाम दिए मैं, लेकिन फिर भी रद्द किया। जब मेरा ही भविष्य खराब है, उन नेता को हम वोट क्यों दें? बताइए, जो अभी देवेंद्र राज छात्र हैं, जो मेरे हित के बारे में लड़ रहे हैं, ठीक है हम आज एग्जाम नहीं दे सके, मेरा तो अब एज नहीं है, ज्यादा एज नहीं, 32-31 साल हो गया, अब कितना हम एग्जाम देने सकेंगे? हर बार जितना बार देते हैं रद्द हो जाता है, दो बार दें, दोनों बार रद्द कर दिया। तो बताइए, अपने जो मेरे हम नहीं देने सकते, मेरे बच्चे को हित के लिए जो सोचे उन्हीं को ना वोट देंगे, बता सकते हैं? तो जब यहाँ के संजय सेठ हैं, उनको हम लोग जिताएं, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं विरोध किए? छात्रों की आवाज संजय सेठ नहीं उठाते क्या? कहाँ उठाए? कहाँ उठाए?
कहाँ उठा उठाए हैं, लेकिन वैसा कहाँ उठाए हैं। अभी तो जब जेसीसी का जो ये हुआ था, उनका तो ये देवेंद्र नाथ ना पर्दाफाश किए हैं, संजय सेठ तो नहीं किए हैं, तो क्यों किए देवेंद्र नाथ? हमारे हित के लिए ना किए, संजय सेठ तो किए नहीं ना, तो फिर उनको वोट क्यों दें? अच्छा, देवेंद्र जेल में है, बाहर में घूम रहा है, तो घूमने दीजिए। देखिए जो जेल में है उन्हीं को देंगे, संजय सेठ बाहर में घूमने से क्या होगा? बाहर घूम के आपको पैसा देगा? पैसा क्या होगा? पैसा से हम लोग कभी कह जाएंगे का? पैसा बिखाने वाले नहीं है, नहीं बिखाएंगे। शेर टाइगर ना जेल के ही अंदर रहता है, लेकिन कैसे वार करता है वो एक टाइगर ही जानता है, तो वो देवेंद्र नाथ ही जानेंगे। अभी पिंजरे में है ना, जब पिंजरे के बाहर आ जाएंगे ना तो बता देंगे। और हम लोग ईश्वर से कृपा करते हैं कि वो देवेंद्र नाथ जल्द से जल्द उस जेल से बाहर निकलेंगे, और हमारे भविष्य के और हमारे बच्चों के भविष्य के हित के बारे में और हमारी छात्र संघ के बारे में लड़ाई करेंगे। और उनको हम लोग पढ़ाए, ईटा बो के पढ़ाए हैं बेटी सबको, दो बार एग्जाम लिखने गई, कभी एक सब में खाली रिजेक्ट हो गया। इस बार जयराम माता जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। आपके गांव वाले वोट मिलेगा? हाँ, पूरा मिलेगा, पूरा। बाहर किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, बाहर का आदमी तो हम लोग देने ही नहीं देंगे। हेलमेट छापने खाली देना है, हेलमेट छापने देना है। हाँ, हेलमेट के छापने नहीं, बीजेपी में नहीं। पूरे गांव वाले ठान लिए इस बार, एक बार हमारे राज के बेटा को भी देख लेंगे। और कुछ देर बात करने का प्रयास करेंगे। जोहार। संजय सेठ तोर गाँव आते हो करबे मेहमान मेहमान तब मानब की स्वागत नहीं कर कैसे स्वागत कर जूता चप्पल से स्वागत उके मान भाई की हम कैसे मान भाई उके स्वागत कर रही है, जूता चप्पल से स्वागत। अरे बाप, जूता चप्पल स्वागत कीजिएगा। जूता नहीं मान भाई, हम इनके कुछ कर भविष्य नहीं बनाते तो के खाल मान भाई। मान रुक पानी को रहे तखन से उठा राम बेटा उठ रहा है। उके बोर्ड दे भाई, हेलमेट छाप के आदमी उके बोर्ड देना है। अच्छा, संजय सेठ से इतना गुस्सा क्यों है? जहाँ पैसा मत सब धर वाला सबको डुबा के रख लो, है गरीब खड़ा ही बोल रहे हैं। हम तो फिक्र कर रहे हैं, रास्ता देख के ले रहे समुदाय भाई बोल के हम ही खून जब तक हुआ है। झुमा धर के लगा, झुमा धर के लगा, सहा धर के है और खून डुबा के रख रहे हैं। वो आज आज के कौन उगा था जरा माता उगा था तो उखे बोल दो भाई, अब तो उखे दे रहे हैं। तोर एकटा वोटे जीते तो एकटा वोटे पूरे गांव वाला वोट देगा। एकदम एकदम जयराम भाई के दिमाग पूरे गांव में जयराम जयराम जयराम। सब पे हेलमेट हेलमेट। हाँ, एकदम देना हेलमेट सुरक्षा दे तो। संजय सेठ पैसा जयराम महतो के वोट देवे कहे देवे संजय सेठ के कहा के विदेशी आदमी पैसा से नहीं पैसा तो हम रोज कमाई दो चार रूपए जब भी कमाई कमाई दो चार पैसा उसी से हम लोग खाएंगे। कहे दो रूपया देगा उसको पास किसी तरह बोलेंगे की भैया कल हम लोग ऐसा काम है तो बोलेगा कि भाई हम तो पैसा से वोट दिया है तो पैसा से लिया था मेरा काम तो नहीं करेगा वो पैसा से लिया वोट रह के इसी चलते हम लोग जयराम मातो जिंदाबाद 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 हम लोग जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार पैसा से नहीं बेचेंगे, नहीं पैसा से नहीं बेचेंगे हम लोग पैसा से नहीं। इतना सारा इकट्ठा देख रहे हैं सबको जयराम को मातो बस जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलमेट से वोट पड़ेगा बस हेलमेट फर्स्ट हेलमेट से सब वोट देंगे हम लोग। संजय सेठ आएंगे आपके गांव तो आप क्या कीजिएगा स्वागत कीजिएगा? नहीं नहीं उसको नहीं स्वागत करेंगे। एक बार हमारा गांव में आया था वो आके बोला था पिन के जाता हुआ आता चप्पर कहाँ पिन आता तो मेहमान है करो स्वागत मेहमान आता हूँ एक बार आके बोला की हाँ बोला एक बार आके कलम भर बना देंगे और आज तो
आया तू तुम्हारा कभी घूम कर आया? 5 साल में संजय सर नहीं आया, नहीं आया, एक बार नहीं आया, मातो के नहीं आया। दारू मुर्गा से नहीं बेचाएंगे, मरद के पैदा लिए हैं। पैसा देगा तो पैसा से वोट नहीं बेचाएगा, नहीं बेचाएगा, पूरा ठान लिया है, पूरा ठान लिया है। इसे बाहरी सांसद नहीं चलते, नहीं चलते, नहीं चलेगा। इस पर देवेंद्र संजय शेर दोगला है, नहीं चलेगा। संजय शेर दोगला है। कहाँ पर है अगर बता देंगे ना तो ठीक है ना। फर्स्ट उद्घाटन किए हैं, अगर उनको याद होगा तो अपने शर्मिंदा से वो गांव नहीं आएगा। हम लोग इतना धूमधाम से उनका इज्जत किए थे। अच्छा दीदी एक बात बता दीजिए, अब मेरे चैनल के माध्यम से झारखंडियों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो अपना राज्य ठीक है, मोदी सरकार हमारे देश के लिए अच्छे कर रहे हैं, और उनके जो कमल छाप हैं वो वोट के वो, उनका जो बीजेपी, हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे झारखंड राज्य को सुधारने के लिए हम लोगों को देवेंद्र नाथ जैसे ही नेता चाहिए। ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन झारखंडियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंडियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सब एकजुट होके और हमारे जो अपने नेता हैं बस उन्हीं को जिताएं। किस छाप में? छाप हेलमेट छाप में, हेलमेट छाप में वोट दें। जी हाँ हेलमेट छाप, घर का नेता है, हमारे घर का नेता, घर का आदमी है, घर का बेटा है, उसी को देना है वोट। घर का जो भाई है, घर का जो नेता है, जो गांव का है, गरीब बच्चा है, वही तो गरीब को झेल के ना वो नेता आज बन रहा है हम ही लोग के लिए ना, तो उन वही ना जानेंगे कि हमारे घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। जो ऐसे एसी लगा के आराम से फोर व्हीलर में बीएमडब्ल्यू कार में दौड़ेंगे, उनको कहाँ पता रहेगा कि कौन माता का घर में आग जला है कि नहीं जला है। मोदी सरकार ने हम लोग नहीं करेंगे तो आग नहीं, मोदी सरकार जी ने हम लोगों को उज्वला गैस दिए हैं, लेकिन सभी दीदियों को दिए नहीं है, सभी माताओं को दिए नहीं है। और अगला जो है, जो संघर्ष कर रहा है, गरीब बच्चा है, तो गरीब नेता हमारे देश का नेता, हमारे गांव का जो नेता है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। इस बार ठान लिए हैं? हाँ ठान लिए हैं, हेलमेट छाप में ही वोट देंगे। हेलमेट छाप, हाँ हेलमेट छाप में देंगे। ठीक है, आप सभी दर्शकों को स्वागत। आप देख रहे हैं कि पब्लिक में कितनी नाराजगी है बाहरी सांसदों पे। ठीक है, और कुछ हम आगे वीडियो दिखाते हैं आपको। धन्यवाद। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? रंगलाल महतो, ग्राम हंदूर बरटोला। इस बार किसको वोट देंगे आप? इस बार देवेंद्र महतो को वोट देंगे। क्यों देंगे? संजय सेठ को क्यों नहीं देंगे? संजय सेठ को तो दे दिए, अब उसको तो देख लिए, एक बार देवेंद्र को भी देखेंगे। सेठ आपके 5 साल में कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? 5 साल में तो काम करने की बात अलग है, दर्शन तक नहीं दिए, यानी मुलाकात करने के मुलाकात करने के लिए भी नहीं आए। एक बार आए और कुछ वादा करके गए, ये शौचालय। इस बार भी आएंगे, वादा करके चल जाएंगे, वोट दीजिएगा बीजेपी में? इसलिए तो नहीं देना चाहते हैं, इस बार देवेंद्र को एक बार चांस देना चाहते हैं। अच्छा देवेंद्र में से क्या खूबी है देवेंद्र को दीजिएगा? वो छोटा बच्चा है। खूबी तो जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, उसको साजिश के तरह दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, कोई लोकल नेता है, हम लोग का गरीब नेता है, तो छात्रों के विरोध में बात करता था, सरकार के विरोध में बात करता था। छात्रों के विरोध में तो बात नहीं किया है, वो तो सरकार के विरोध में बात किया है, छात्रों के हित में बात करता था। सरकार के विरोध में जो बात करता था, सरकार के विरोध में तो हम लोग का ही या हम लोग का बल बच्चा के लिए या छात्र के लिए ही उसका विरोध में बात किया है। इसलिए उसी को एक बार चांस देंगे हम लोग कि आने वाला इस झारखंड का भविष्य के लिए कुछ काम करे। अच्छा इस बार संजय सेठ मान आएंगे, पैसा देंगे, वोट दीजिएगा बीजेपी में? बीजेपी में तो नहीं देंगे वोट। कांग्रेस में? कांग्रेस में भी नहीं देंगे अब तो। अच्छा, वहाँ तो अच्छा, दोनों का दोनों बाहर का है। आपके गांव आएंगे तो आप क्या कीजिएगा? स्वागत कीजिएगा, स्वागत करेंगे उसको, फूलमाला से कीजिएगा, दूसरा कुछ व्यवस्था उसका? दूसरा व्यवस्था करेंगे, जूता चप्पल का व्यवस्था, जूता चप्पल स्वागत कीजिएगा, जूता चप्पल पूरा ठान लिया है। जोहार। जोहार। क्या नाम? तेजनाथ कुमार महतो। क्या क्या वोट देंगे बताओ? इस बार हम लोग तो देवेंद्र महतो का वोट देंगे, और प्रचार भी कर रहे हैं बाजा के माध्यम से, डेली 2 टाइम बाजा बजाते हैं देवेंद्र महतो के। माय माटी का बात करता है, इसीलिए हम लोग देंगे वोट।
स्थानीय नीति का बात करता है, 1932 का बात करता है और अपना लोकल क्षेत्र का बीजेपी कांग्रेस वाले स्थानीय की बात नहीं करता है, वो लोग नहीं करता है, वोट लेता है उसके बाद मटिया जाता है वो लोग। तो इस बार आप लोग ठगा गए हैं बीजेपी कांग्रेस? हाँ ठगा, पूरा ठगा गए हैं, पूरा ठगा गए हैं। हाँ तो इस बार लोकल पार्टी चाहिए? हाँ इस बार तो अपना पार्टी चाहिए, लोकल पार्टी। पूरे गाँव के आदमी आप सपोर्ट कीजिएगा? पूरा गाँव का एकजुट कर लिए हैं। जेबी कैसे से यानी हेलमेट साहब में वोट पड़ेगा? हाँ हेलमेट साहब में पड़ेगा पक्का। पूरा देंगे और दिवाएंगे भी, जीतिएगा। हाँ ठीक है, जीतने के बाद हम फिर मिलते हैं आप लोग से। ठीक है सर, जोहार। जोहार। क्या नाम? बलराम महतो। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अभी तो हम लोग जेबी केसेस को देंगे देवेंद्र नाथ महतो को। हाँ। इससे पहले हम लोग आज से नहीं, हमको लगता है बहुत जब से वोट दे रहे हैं तब से हम बीजेपी में दे रहे थे। अभी आशु का भी हम उपाध्यक्ष है काके परकर। अरे बाप रे बाप। लेकिन हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम ये कब बोल रहे हैं कि अभी हम लोग देंगे तो देवेंद्र महतो को ही देंगे। आशु के क्या है आप? काके का उपाध्यक्ष है। काके का उपाध्यक्ष है? हाँ। आप काके आशु पार्टी के काके उपाध्यक्ष हैं जी। और आप जेबी केसेस में वोट दीजिएगा? हाँ अभी तो जेबी केसेस में हम वोट देंगे। डर नहीं लगता? नहीं नहीं डर नहीं लगता हमको। डरना का हमारा घर में ऐसे थोड़ी चेरी मेरा देता है। हमारा कहना उसका पार्टी में जुड़े हैं तो काम करने के लिए जुड़े हैं। अब काम अगर नहीं कर देता है तो हम वहाँ कहाँ रहेंगे? इसलिए हम यही सोच लिए हैं कि अगर हम देंगे देवेंद्र नाथ महतो को देंगे। और जो बोल रहे संजय सेठ जी, संजय सेठ जी के हम ही लोग लाए थे, उसका बाद बोले थे कि हमारा फर्स्ट पेमेंट होगा तो आप लोग का दो तल्ला ये भवन को कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग कितना बार दिए, आवेदन दिए, कई कन्या सन्यासी होता था केदल उदल में तो जिला परिषद मीना देवी के साथ हम जाते थे, उसका बाद वहाँ बार बार उसको बोलते थे कि हम लोग का क्लब घर बना दीजिए, बना दीजिए, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिए। और कल परसों वोट जवाने के चक्कर में आई मंडा टाण में आए थे और मंडा टाण में आके फिर चल गए। तो जी आज सुदेश महतो संजय सेठ साथ में घूम रहे हैं? साथ में है, अगर अकेले रहते सुदेश महतो तो उसका सपोर्ट हम करते। हाँ। लेकिन अभी है वो गठबंधन में तो हम नहीं करेंगे। अच्छा पक्का? हाँ पक्का। कहा नाम होता है? तुफेल खान। तुफेल खान, किसको वोट दीजिए? देवेंद्र। क्यों? आपके कांग्रेस है जी, बीजेपी है, इतना बड़े बड़े पार्टी छोड़ के आप छोटे पार्टी में आ रहे हैं? तो जो काम करेगा उसी को ना वोट देंगे भैया। क्या काम किया है जी लोग? अब इससे जुड़ रहे हैं, कुछ तो करेंगे, नया पार्टी है तो विश्वास है। विश्वास है, उम्मीद भी है। हाँ उम्मीद भी है। अरे संजय सेठ कुछ काम नहीं किए? संजय सेठ तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ यहाँ इधर आई आगे तरफ आई, 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं ना। अच्छा इससे पहले किसको वोट देते थे आप? बीजेपी को दिए? बीजेपी का भक्त है? नहीं थे लेकिन अभी नहीं देंगे। थे लेकिन अब नहीं है? नहीं, आप किसके भक्त हो गया? अभी देवेंद्र महतो या क्या बोलते हैं आपको, जयराम महतो, हाँ उसी को देंगे। इतने मतलब उम्र हो गया। हाँ। आप बुजुर्ग है आप। हाँ आप क्या बोलते हैं यंग को आप चाह रहे हैं? क्यों? यंग जो काम करेगा उसी को देंगे। ये वादा किया है कि हम लोग ऐसा करा देंगे, ये करा देंगे, अगर इसको वोट देंगे जीत जाएगा और नहीं कराएगा तो अगला बार हम लोग भी कहेंगे कि झूठा आश्वासन दे के मैंने हम लोग को ठग लिया। लेकिन अवर इन्हीं को देना है, जयराम महतो को। यानी पूरे गांव में आप लोग का चर्चा परिचर्चा इसी के चल रहा है? हाँ हाँ इसी के, पूरे गाँव में लहर है। हाँ हाँ हाँ। यानी इस बार क्षेत्रीय पार्टी चाह रहे हैं? हाँ वो बहुत देख लिए अच्छी भाजपा को। हाँ 300 साल से राम टहल चौधरी को वोट दिए, कहाँ किया? 30 साल से राम टहल चौधरी वोट दिए? हाँ। अरे बाप, एक बार चांस दीजिएगा इसको। एकदम देंगे देवेंद्र महतो को। देवेंद्र महतो? हाँ। वो क्या छाप है पता है आपको? हेलमेट छाप पूरा पता है? हाँ तो अभी सुने ना बात आपको। अच्छा। ध्यान से सुन रहे थे? हाँ तो कैसे नहीं सुनेंगे, मतलब ठान लिए है ना? हाँ ठान लिए पूरा। और कुछ बोलना चाहेंगे दादा? नहीं ठीक है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आप इस जेबी केसेस को पूरे मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समुदाय जेबी केसेस को वोट करेंगे? एकदम कैसे नहीं करेंगे, करेंगे। जोहार। कहा नाम हो? रुपना महतो। काके वोट देवे तब? जयराम महतो। जयराम महतो, बाप रे बाप। आप ये कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जयराम सब को छोड़ देंगे? अरे दारू मुर्गा देगा जी? नहीं दारू मुर्गा तो बहुत डेली खाता है, अभी खा क्या है? तो वोट नहीं देना है? नहीं देना है। अपने पैसे से खा क्या है? डेली कमाते हैं, मेहनत। क्या काम करते हैं आप? कुली कबाड़ी करते हैं, कोड़ी करते हैं डेली। हाँ तो
कराही मसाला मरत रखे जाके बेलचा मरत रही जमा कर रही जमा कर गई 50,000 कर 1,00,000 देता कोई के अरे खाने 50,000 नहीं देवे लायक का करे लायक है तू 50,000 की एको रुपया नहीं देवे लायक है सेटा अरे खन पढ़ा लिखा छुआ ने का कहला ये 5,000 देबी तब ये लिखौनी है तो बाप रे तो 5,000 देबे तब लिखतो तब तू बचवा के भेजबे पढ़ाया हां तो पूरा संजय सर से तो गुस्सा क्यों है अब काल है सके वो जानते आपका खीस लग लाए के पूरा खीस लगा पूरा सेल तो का हम कह दलिस तखने हम के कह दिया के जवराम मास्टर तड़ी को छुआ उठला है तो खेद भाई हम ओके गबे ओके द भाई आ संजय से डापे तो के खिलना खिला पिला ओके स्वागत कर भाई डांटा से बा ठीक है दे ठीक जो है तब जो है जा।